फ्रेंड्स अगर आप लोग का भी फेसबुक अकाउंट लॉक हो चुका है फ्रेंड्स और आप लोग जैसे ही गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं तो फ्रेंड्स आप लोग को किसी भी चीज़ से वेरिफिकेशन करने का ऑप्शन नहीं आता है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग उस ऑप्शन को कैसे ला सकते हैं और अपने अकाउंट को वेरीफाई करके और अपने अकाउंट को अनलॉक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए सबसे पहले जो है आप लोग को मैं दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर जैसे ही गेट स्टार्टेड वाले पर क्लिक करता हूँ तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है और फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, जैसे कि आप लोग को अभी थोड़ा देर में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे जो है लोडिंग ले रहा है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हेल्प सेंटर जो है डायरेक्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा और यहाँ पे फ्रेंड्स हमें जो है किसी भी चीज़ से वेरीफाई करने का ऑप्शन यहाँ पे नहीं देता है। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट हेल्प सेंटर यहाँ पे जो है ओपन हो जा रहा है और हमें यहाँ पे किसी भी चीज़ से वेरीफाई करने का ऑप्शन ही नहीं दे रहा है। तो फ्रेंड्स हम इसको जो है वेरीफाई कैसे कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा कि फ्रेंड्स सबसे पहले जो है आप लोग को मैं डायरेक्ट यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर डायरेक्ट जो है सेटिंग में आना है और यहाँ फ्रेंड्स सेटिंग में आने के बाद आप लोग को यहाँ पे आना है एडिशनल सेटिंग और यहाँ पे आने के बाद फ्रेंड्स आप लोग को एप्लीकेशन मैनेजमेंट में क्लिक करना है और यहाँ पे जो फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ पे क्रोम ब्राउजर जो है वो यहाँ पे फाइंड कर लेना है, जिसके फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्रोम ब्राउजर यहाँ पे मिल चुका है। तो फ्रेंड्स आप लोग को इस पर टाइप करना है और यहाँ पे टाइप करने के बाद फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ पे जो है आना है, ठीक है। अगर आप लोग को यहाँ पे क्लियर कैसे दिखा रहे हैं तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे क्लिक करके जो है वो इसको मतलब क्लियर कर लेना है और उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे मैनेज स्पेस पर क्लिक करना है और आप लोग यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ पे दिखेगा क्लियर ऑल डेटा, ठीक है। तो आप लोग इस पर क्लिक करना है और ओके पे क्लिक कर देना है और फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप लोग का क्रोम ब्राउजर का जो भी डेटा आएगा वो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग को फिर से जो अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है, जैसे कि फ्रेंड्स मैं यहाँ पे अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ पे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ से जो है अपना ईमेल आईडी से जो है अगर आप यहाँ पे लॉगिन होना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे हो सकते हैं, आप लोग का डायरेक्ट जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ फ्रेंड्स सेलेक्ट करने के बाद इसको जो है वो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा वेट करना होगा क्योंकि फ्रेंड्स ये जो है फर्स्ट टाइम यहाँ पे अब ओपन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना होगा, फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं fb.com, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग का फेसबुक जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, वरना फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ पे भी दिख जाएगा फेसबुक डायरेक्ट, तो आप लोग को यहाँ पे से भी आप लोग यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे जैसे ही ओपन करेंगे तो फ्रेंड्स आप लोग के सामने जो है वो यहाँ पे आ जाएगा फेसबुक। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना होगा, फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ पे जो है अपना ईमेल आईडी जो है वो डाल देना है, जैसे कि फ्रेंड्स मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी जो है मतलब कि यहाँ पे डाल चुका हूँ, मतलब कि फेसबुक का आईडी। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ पे पासवर्ड जो है वो डाल देना है और फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे जैसे ही पासवर्ड डालेंगे उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे लॉगिन करें पे क्लिक करना है और आप लोग यहाँ पे जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे लॉगिन पे वाले पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है और आप लोग को यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बता दूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा मेरा नेटवर्क जो है स्लो है तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा, ठीक है। और फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमारा मतलब कि वहीं वाला जो है वो यहाँ पे आ चुका है। तो आप लोग को यहाँ पे जो है शुरुआत करें पे क्लिक करना होगा या फ्रेंड्स अगर आप लोग का इंग्लिश में हो तो आप लोग का आएगा गेट स्टार्टेड, तो आप लोग को इस पर क्लिक करना है और आप लोग यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइव प्रूफ जो है वो आप लोग के सामने आ चुका है कि अपने अकाउंट को कैसे अनलॉक करें, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आप लोग का आ चुका है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग का भी किसी भी चीज़ से वेरीफाई करने का यहाँ पे ऑप्शन नहीं आया तो फ्रेंड्स आप लोग इस ट्रिक को यूज़ करके और यहाँ पे वेरीफाई करने का जो है ऑप्शन ला सकते हैं और अपने अकाउंट को वेरीफाई करके और अनलॉक भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इससे रिलेटेड आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो रही तो फ्रेंड्स आप लोग मुझे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं एंड आई होप फ्रेंड्स कि आप लोग ये वीडियो पसंद होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स आप लोग से मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।